और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जान लीजिए। ममता पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला। दीदी ने बंगाल को नॉर्थ कोरिया बना दिया है। ममता का रवैया किम जैसा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा। बंगाल में हर तरह भ्रष्टाचार और अत्याचार है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म कर रही हैं, दमन उनका हो रहा है और बंगाल में हर तरफ अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार और अत्याचार ही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जाती है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो बंगाल पुलिस कैसे इनसे सख्ती से निपटी। हालांकि हजारों हजार की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता थे, लेकिन ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से जहां हंगामा, पथराव, लाठीचार्ज, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की तुलना किम से भी कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में इस वक्त भ्रष्टाचार ही है। इतना भुगला गया है ना डर का महल। ममता जी, ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा। और चार कवार में आगे बढ़े इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हावड़ा से बड़ी खबर, जहां पर सचिवालय जाने के दौरान पुलिस ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया, ये खबर मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। सचिवालय जाना चाहते थे शुभेंदु अधिकारी, सचिवालय जाने के दौरान ये हिरासत में लिया गया। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी की पुलिस से झड़प भी यहां पर हुई। एहतियातन अब पूरे कोलकाता में धारा 144 लागू कर दी गई है। सचिवालय के सामने हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। ममता के खिलाफ बीजेपी का ये मार्च है, भारतीय जनता पार्टी का ये हल्ला बोल है। और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तब की है जब शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया गया। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस से बहस भी उनकी हुई, तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद एहतियातन अब पूरे कोलकाता में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि बीजेपी के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया गया, ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए कहीं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो कहीं पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर कोलकाता से ही, जहां बीजेपी और पुलिस के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली है। आपको बता दें कोलकाता में बीजेपी और पुलिस के बीच में जबरदस्त जंग, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी भी जलाई। बड़ा बाजार इलाके की ये पूरी घटना है जहां पुलिस की गाड़ी फूंकी गई है। सचिवालय घेराव करना चाहते थे बीजेपी कार्यकर्ता और उसी दौरान ये नोकझोंक हुई। नबरना चलो अभियान के दौरान दरअसल ये घमासान देखने को मिला और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जहां पर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस की गाड़ी फूंकी गई। बड़ा बाजार इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रही है जहां पे बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि ये भी बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात वहां पे बेकाबू हो गए थे, लेकिन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जबरदस्त ये प्रदर्शन। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया। तो बड़ा बाजार इलाके की ये घटना जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और खबर इस वक्त राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस सरकार के अंदर फूट एक बार फिर सामने आई। अशोक गहलोत के मंत्री अशोक चांदना की सभा में जूता फेंका गया। अशोक चांदना की रैली में नारेबाजी हुई, जमकर बवाल हुआ। खबर राजस्थान से, जहां पर अशोक चांदना के मंच की तरफ समर्थकों ने जूते फेंके और ये वही समर्थक थे जो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब इससे अशोक चांदना भड़के हुए, ट्वीट कर दिया गया उनकी तरफ से और कहा कि मैं अगर लड़ने पर आ गया तो एक ही बचेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसी को, लेकिन लगातार तस्वीर इस वक्त आपके सामने राजस्थान की। मुझे अशोक चांदना जो कि गहलोत सरकार में मंत्री हैं, एक कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी कार्यक्रम के दौरान वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, जूता तक उनके मंच की तरफ उछाला गया और
जो समर्थक वहां पर नारेबाजी कर रहे थे अशोक चांदना के खिलाफ, वो सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस में फिर मचा घमासान। फिर अखाड़ा बना राजस्थान। मंच पर राजस्थान की गहलोत सरकार में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भाषण देने पहुंचे तो सामने खड़ी युवाओं की भीड़ उनकी ओर जूते, खाली बोतलें और दूसरा सामान उछालने लगी। मौका तो था गुर्जर समाज के नेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का, लेकिन ये सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थकों के बीच जंग का मैदान बन गया। गहलोत समर्थक माने जाने वाले मंत्री अशोक चांदना के सामने भीड़ ने जूते उछाले। इस घटना से गुस्साए चांदना ने भाषण बीच में ही छोड़ दिया। दरअसल पायलट समर्थक विधायक पिछले कुछ दिनों से लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। खुलेआम सार्वजनिक मंचों से बयान दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आवाज बुलंद की जा रही है। लिहाजा इस घटना को अशोक चांदना ने सीधे पायलट से ही जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट कर पायलट को सीधे सीधे चुनौती ही दे डाली। चांदना ने ट्वीट कर कहा, मुझ पर जूता फिकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूँ। चांदना पर जूता फेंकने की घटना सोमवार 12 सितंबर दोपहर को हुई, लेकिन उन्हें गुस्सा रात 10 बजे आया। करीब 9-10 घंटे बाद मंत्री को गुस्सा आना और पायलट को खुलेआम चुनौती देने के पीछे सियासी वजह माना जा रहा है। इस घटना से गहलोत गुट को सचिन पायलट पर सियासी हमले का मौका जो मिल गया है, पायलट विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए वो पार्टी में उन्हें घेर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को डैमेज करने के लिए जानबूझकर अशोक चांदना ने यह ट्वीट किया है ताकि पार्टी में सचिन पायलट का विरोध शुरू हो सके। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी सचिन पायलट ने प्रत्युत्तर देने की जल्दबाजी फिलहाल नहीं की है। देखना यह है कि गहलोत और पायलट गुट के बीच छिड़ा यह घमासान अभी और क्या क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, क्या कुछ कहा बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने, सुनाते हैं आपको। अशोक चांदना खिशियानी बिल्ली खंभा नोचे उस तर्ज पर अपनी खींच मिटा रहे हैं। मैंने ऐसा विरोध उसी एक समाज के, जिस समाज के अशोक चांदना है, शकुंतला जी है, और उसी समाज के लोगों के द्वारा इस प्रकार का विरोध कभी देखा नहीं। सचिन जी पायलट के कभी यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे और उनकी सरपरस्ती के अंदर कई बार, कई जगह पर, कई सभाओं ने उन्होंने सचिन पायलट जी के बारे में कई कसीदे पढ़े। अब स्थिति बदलती रहती है राजनीति की, ये उनके अंदर की राजनीति है, पर मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी उन्होंने की एक ही बचेगा। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं, ये अहंकार की भाषा है। ये भाषा तानाशाही के शासन में हो सकती है, लोकतंत्र में मतभेद और मनभेद दोनों चलेंगे, पर अपनी अपनी बात अपने अपने मंचों से हम कहेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मदरसों के सर्वे से भड़काऊ भाईजान भड़क उठे हैं। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है, अगर सर्वे करना है तो संघ के स्कूलों का भी किया जाए और निजी स्कूलों का भी। मदरसों के सर्वे से आग बबूला असदुद्दीन ओवैसी हो चुके हैं। संघ के स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल भी ये कर लिया। सरकारी स्कूलों का सर्वे हो, निजी स्कूल्स का भी सर्वे कराया जाए, मिशनरी स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं हुआ, यह भी आगे सवाल पूछा। समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने यही आरोप लगाया कि समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए यूपी की सरकार तमाम मदरसों का सर्वे करवा रही है, उसमें जो अच्छाई है वो असदुद्दीन ओवैसी को नजर नहीं आ रही, और सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो निजी स्कूल है आखिर, और साथ ही जो सरकारी स्कूल है उनका सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा। मेरी पार्टी का स्टैंड यह है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका, आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है, मेरा मानना ये गलत है। ये
तो देखिए, एक तरफ ओबीसी मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम धर्म गुरु भी अब गुस्से में आ गए हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार का पक्ष रखा। योगी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान सामने आया कि मदरसों को आधुनिक बनाना ही सरकार का मकसद है, 12 बिंदुओं पर ही सर्वे हो रहा है, साफ तौर से उन्होंने कहा। बार बार देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मॉडर्न शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार सर्वे करवा रही है मदरसों का। लेकिन एक तरफ ओबीसी हैं जो कि मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि ये एक छोटा एनआरसी है, 12 बिंदुओं पर ही सर्वे हो रहा है, सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, एक तरफ ओबीसी, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु गुस्से में है मदरसों के सर्वे को लेकर। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। मदरसों के सर्वे का काम आज से शुरू हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी मौजूद हैं। दानिश जी, आज से मदरसों का सर्वे शुरू हो गया, किन किन बिंदुओं पर यह सर्वे होगा? देखिए, मदरसे का सर्वे, ये ऐसे मदरसे वो कहाँ पे संचालित हो रहे हैं, कितने वहाँ छात्र पढ़ रहे हैं, छात्रों को बेसिक बुनियादी सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही, इन तमाम बिंदुओं पर सर्वे का मकसद ये है कि हम अपने जो नौजवान जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, जो वहाँ पे चाइल्ड राइट्स हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी बिंदु है कि किस सरकार की योजना का लाभ वो मदरसा ले सकता है, जिससे हम जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, नई रोशनी, नई उड़ान, कौशल विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से उन मदरसों को कनेक्ट कर सकें ताकि दीनी तालीम के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा भी हमें मिल पाए, हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य जो उनका अधिकार है, इन अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम योगी सरकार कर रही है। और हम सबके साथ मिलकर अपने अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को तरक्की की तरफ ले जाएं, ये हमारी मंशा है। और लगातार आप देखिए कि हमारा प्रयास पूरे सकारात्मक तरीके से, सार्थक मन के साथ इसी दिशा में है कि हमारे नौजवानों को हम बेहतर भविष्य उनका निर्माण करें, अच्छी शिक्षा दें और दीनी तालीम जो कि बहुत जरूरी है, इन दीनी तालीम के साथ साथ उनको सरकार की योजनाओं से भी और आधुनिक शिक्षा से भी उनको कनेक्ट करें। तो फिर समाजवादी पार्टी हो और असदुद्दीन ओवैसी क्यों इस सर्वे का विरोध करें, लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, सकारात्मक चीज का सबको सहयोग करना चाहिए और कई ऐसी चीजें होती हैं जिस पे हम सबको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारे अल्पसंख्यक समाज, हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों का भविष्य भी वो विषय है जिस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको अच्छा भविष्य मिले, बेहतर रोजगार मिले और वो हमारे कौम का नाम रोशन करें, ये योगी सरकार की प्राथमिकता है। और योगी सरकार पूरी ईमानदारी से उनके उनको मजबूत करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए काम करेगी। और हम किसी को भी इस पे कोई मतलब राजनीति नहीं करनी चाहिए और हम सबको मिलकर सार्थक मन से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और चारकवार में एक और बड़ी खबर मिल रही है, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम से इस बात की मांग की है, अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बुलडोजर चलेगा। वक्फ बोर्ड की मांग पर पूरे राज्य के मदरसों का सर्वे होगा। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो। और अब बात करते हैं कांग्रेस की पदयात्रा पर जारी पॉलिटिकल वॉर की। राहुल गांधी के पदयात्रा पर सियासत सुलग उठी है। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कल कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना साधा था, एक तस्वीर पोस्ट की थी, ट्वीट किया गया था कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें खाकी निक्कर में आग लगी हुई है। अब बीजेपी ने इस तस्वीर पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी का आरोप है कि राहुल की यह पदयात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस दरअसल देश में आग लगाना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला जयराम रमेश ने, कहा बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है। तीन तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, पदयात्रा इस वक्त
शुरू हो चुकी हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, जो अब फिलहाल इस वक्त केरल में एंटर भी हो चुकी है। आज तीसरा दिन केरल में इस पदयात्रा के एंटर हुए। दूसरी तरफ जो ट्वीट किया गया था कल, उसी को लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर कांग्रेस पर। अब न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि CPIM यानी कि लेफ्ट की तरफ से भी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है ट्वीट करके कि 18 दिन आप केरल में रहेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन ही देंगे, तो ये भारत जोड़ो है या फिर सीट जोड़ो यात्रा है। तो कांग्रेस के ट्वीट पर भड़की बीजेपी से कांग्रेस का सवाल, बीजेपी अपने आप को निकर से क्यों जोड़ती है? कमलनाथ ने कहा क्या सब बीजेपी वाले निकर पहनते हैं? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही गई हैं, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप निकर से क्यों जोड़ती है? अगर आप निकर पहन लें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए? क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निकर पहनते हैं? तो पता नहीं ये आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं। जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी को मिल रही है, कभी उनके जूते की बात करेंगे पर मोदी जी के 10 लाख की सूट की बात नहीं करेंगे। ये तो पूरे देश और विश्व ने देखा है कि एक ऐसे देश के नेता हैं जो 3 दफ़े दिन में कपड़े बदलते हैं, सब पूरे मीडिया ने विश्व में दिखाया है। तो वो उसकी बात नहीं करेंगे राहुल गांधी जी की टी शर्ट ऐसी है, जूता ऐसा है, ये अपनी बात करें, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब देखिए एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की पदयात्रा के बीच अब स्मृति ईरानी का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमलावर हुई। वो ये कह रही हैं कि राहुल पदयात्रा के लिए कन्याकुमारी गए लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं किया कि वो स्वामी विवेकानंद को प्रणाम कर लेते। तो देखिए एक बार फिर से ट्विटर वॉर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच। हालांकि राहुल गांधी का अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है लेकिन स्मृति ईरानी ने यहां पर हमला बोला। राहुल गांधी आपको बता दें कि 150 दिनों की यह पदयात्रा होगी जिसमें कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी और राहुल गांधी इस दौरान केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम इस वक्त किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। तो सुना आपने स्मृति ईरानी को और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने किस तरीके से हमला बोला, क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है, कांग्रेस को कैसे जवाब दिया गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रही है तो कांग्रेस गदगद है। उसके नेताओं का कहना है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवरटाइम चल रही है अभी और खास तौर से सोशल मीडिया पर। बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को नफरती एजेंडे से जोड़ रही है तो वही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के नेता गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, दिन रात झूठ फैलाया जा रहा है। प्रकार का आज ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वैसे तो जॉर्ज द हेटर जो हिंदू विरोधी भारत माता विरोधी बातें करता है उसको मंच दे सकती है, उसके साथ बैठ सकती है और टुकड़े टुकड़े चाहने वाले लोगों के साथ बैठ सकती है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, जो प्रयास किया जा रहा है, जो कोशिश किया जा रहा है भारत को तोड़ने की, विभाजन, जो विभाजनकारी नीतियां हैं, विभाजनकारी नियत है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और जिस तरीके से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। और इसी के साथ चार कवार में अभी के लिए बस इतना ही, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।